जी बक्सर वाला, तो आप तैयार हो जाइए। हम आपके ज़िले के सभी कॉलेज को बारी बारी से बताएंगे। मात्र 3 ही कॉलेज है बक्सर ज़िला में, तो हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा बताने में, आराम से हम बता देंगे। BSc हम बताएंगे मैथ ऑनर्स का। बहुत से स्टूडेंट का नाम नहीं आ रहा है इस बार, क्योंकि सीट बहुत कम है, 3 ही कॉलेज है, कट ऑफ भी इतना हाई जा रहा है। एक और 2-4 कॉलेज बढ़ा देना चाहिए बक्सर ज़िला में। इतना बड़ा आबादी में इतने 3 ही कॉलेज क्यों रखा गया है, हमको सोचने में मजबूर कर रही है बात कि 3 ही कॉलेज क्यों है। तो चलिए, तो हम पहला कॉलेज लेते हैं जो बक्सर वर्ग में फेवरेट कॉलेज है, जैसे कि जैन कॉलेज आ रहा है उसे ही, बक्सर में सबसे ऊपर है MV कॉलेज। 200 सीट था मैथ के लिए, अभी भी 50 सीट खाली है। DK कॉलेज दूसरा कॉलेज आता है, 200 सीट उसमें मैथ के लिए था, उसमें भी 120 सीट खाली है। सुमित्रा महिला में 100 सीट था, उसमें भी 46 सीट अभी भी महिला के लिए, सुमित्रा जो महिला कॉलेज उसमें 100 सीट था टोटल। BSc मैथ के लिए उसमें 46 सीट खाली है। फिजिक्स के लिए टोटल 200 सीट था MB कॉलेज में, उसमें 74 सीट अभी भी खाली है। 300 सीट था DK कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स के लिए, उसमें 134 सीट अभी भी खाली है। 50 सीट था सुमित्रा महिला कॉलेज में, मात्र 19 सीट अभी भी बच गया उसमें। केमिस्ट्री का बात करें तो 175 सीट MV कॉलेज में टोटल था, अब रह गया है 60। DK कॉलेज में 200 सीट था केमिस्ट्री के लिए, अब रह गया 114। सुमित्रा महिला में 50 टोटल था, अब रह गया है मात्र 20 कॉलेज महिला के लिए। बोटनी का बात करें तो MV कॉलेज में 60 सीट था टोटल, अब 18 सीट बच गया है। DK कॉलेज में 20 सीट था टोटल, अब मात्र 16 सीट रह गया है। सुमित्रा महिला कॉलेज में 50 सीट था, मात्र 42 सीट रह गया है। अब जूलॉजी का बात करें तो जूलॉजी में जिसका ऑनर्स है उसमें 125 सीट था टोटल, 125 सीट था टोटल, अब मात्र 25 सीट बच गया। मात्र 100 एडमिशन हो चुका है जूलॉजी में MV कॉलेज में, केवल 40 सीट था DK कॉलेज में, अब रह गया 27। 50 था जूलॉजी के लिए महिला में, सुमित्रा महिला में, अब रह गया मात्र 29 सीट। तो ये था आपका बक्सर ज़िले के BSc ऑनर्स के में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको हम कवर कर दिए। अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो नीचे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि हमको भी चाहिए, तो इस पे वीडियो आएगा।